प्रदीप सर वापस आ चुके। कैसे प्रदीप सर है? मैं जेंटलमैन लग रहा है। इन्हें सहज कर ना, लेंटर ना पाड़ेगा, इतनी तेज चला रहा है। पूरी भाभी का ही फोन आया क्या? एयरपोर्ट से कैसे आया तू? गाड़ी ये लाइफ चाहिए, ये लाइफ चाहिए भाई। मतलब तुम देख रहे हो, मतलब मैंने जहाज में बैठे हो गए यही कोई 15-20 साल, मतलब नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया कहने की बात ही है यार। और तू जहाजों में घूम रहा है, वाह भाई वाह भाई। कपड़े क्यों उतार रहा है? अभी ब्लॉग चालू है, सब देखेंगे तेरा ढोल। चलिए तो था, घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया। पूरी पैकिंग शैकिंग है, सब बढ़िया। बीवी बच्चे सब खुश हैं? देख रहे हो तुम, प्रदीप ने हमारे सारे बल्ले भी कब्जा रखे कि मेरे कमरे में रखोगे, खेलना होगा जब ले जाना वरना यहाँ रखो। तेरे पीछे से मैं एक भी दिन क्रिकेट नहीं खेला, भगवान कसम। ऐसे रखे जैसे तू रख के गया था। टाइम के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है? क्रिकेट भी खेलूंगा, काम भी करूंगा। हाँ। और आते सारे ऑर्डर मिल गया, आलू की टिक्की, बर्गर। अब बर्गर टिक्की बनाएगा? हाँ। अरे तू तो कति बेशरम हो गया यार, कपड़े तार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई ये बुरो काम है यार, ये तो भाई नंग प्रदर्शन पाग। और हाँ सॉक्स भी मेरे वाली पहन रखी है। बहुत बढ़िया सॉक्स है। चलो ठीक है, ठीक है। तो आज की व्लॉग शुरुआत यहाँ से। अरे ये कौन आ गया भाई बाहर? बाहर यही नहीं पता। प्रदीप भैया भाई का तो अब घर सुख से भरेगा। हम सब्जी खाते नहीं थे। हाँ। किसी और की अच्छे से नखरे नहीं खाते थे ना बड़े। प्रदीप भैया की चटपटी मसालेदार सब्जियां ही तो खाते हैं। क्या बनवाना है फिर आज रात? ओए आज रात क्या बनवाना है भैया? पता नहीं। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, फायदा क्या हुआ? वो आएंगे खुद खुद खिलाएंगे ना हमें। तो कुछ बताए तो कहा बालक तो सबके घर में होंगे, पर भाई साहब ये कोई एक यो और शाम हो। हर टाइम का काम है, हर टाइम का। इब्नू कह देगा देव यहाँ क्यों बंद क्यों कर रहा है? इब्नू कह देगा डाल दिया ना भैया, आपकी खाल उतार दूंगा। क्या आपकी खाल उतार दूंगा? बदतमीजी कर रहा है। ये बकवास करता है, कदर ना करे ढोल। बता आप किसने चलाया था टीवी? तू बता। नहीं भाई नहीं। हमेशा हमेशा मैं इसे पूछ लूं, वासी तू आईपैड खेल रहा है तो टीवी बंद कर दे। देव भाई ने चलाया? मैंने चलाया ही नहीं। हम 365 दिन, तू कदे नहीं चलाता भाई ना। वासी तू जितना शरीफ है ना उतना शैतान होता जा रहा है बेटे, ये मैं बता रहा हूँ तेरे को। तू मांग रहा करड़ी चिताई। वीडियो बंद कर रहे हैं। क्यों करूं? आप नमक मिर्च लगा के बात करते हैं क्योंकि। बता दे भाई, एक भी नमक मिर्च लगाई हो तो। ओ भैया भाई पैसे दे रखे हैं। नहीं भाई को सेटलमेंट। ओ पैसे दे रखे हैं, सेटलमेंट कर तेरे। ताथी ता 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 थी। समझ आया? ऐसा ढोलक सा बजा दिया जाएगा बकवास बाजियों में पैर दिए तो तू मारेगा किद्दू से। अकेले आके निकालो। नाक साफ करना तने परसों आया है, तू मारेगा। से सॉरी भैया खेल ले अब जा। इतनी चीजें करके खेल।
तो इच्छता ही होनी चाहिए इस उम्र में, थोड़ी जरूरी है। बस 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 तुमको आपस में लड़ना, जो था मेरे साथ था बस। ये व्लॉग में तेरे सारा स्कूल देखेगा। गैस की मशीन है। सुन, हमारे घर में दो मशीन होगी अब, एक तो प्रदीप आ गया बनाने की मशीन, और एक उसको ठूसने की मशीन। दो मशीन। वैसे क्या बनवाया देव से, वो प्रदीप से क्या बनवाया? कुछ तो बनवाया टिक्की, टिक्की या बर्गर यार, कुछ तो बनवा लो यार उससे यार। टिक्की को बर्गर में लगा के खा लो, टिक्की वैसे खा लो। सो आता जगह देख कहां क्या कर रहा वो। प्रदीप जी अपनी राजगद्दी संभाल रहे हैं वापस से, मैदान में आ गए हैं फुल फ्लैश। क्या तूने आगे चाय बनाई है? अरे ये छोटे मोटे काम तो ये जो तेरे और नीचे अंडर रहे हैं यार, ये कर लेंगे, वो बड़ो काम कर। यार डलगी सिटी ऊपर मारी इसने, पट टगा के मैं बाहर जाऊं भाई। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर दूं और डाल की सिट्टी मारे आधी आधी। देख एक चीज तो भूल गया मैं, तुमको बता नहीं जरा हिसाब बराबर। सर आ गए हैं सुबह। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग करी आपने सर को। प्रदीप की रसोई में आप सबका स्वागत है। ओह राइट इज आलू सुन लिया मेरे या स्वीटिश, ये तो वासु की थाली है ना। हाँ शक्ल देख के पता लगा। दोबारा से थाली वाली सजने लग गई अब तो, सबके चट्ठे हो गए शुरू। सॉरी अन तारक में तो सॉरी अन जेठिया, कितना देखेगा बबीता जी को। भैया पहले तो आप चक्की की मशीन कह रहे थे, आटा चक्की की मशीन, अब आप जेठिया क्यों बुला रहे हो? जेठिया तो तू है ही ना, ये गलत बात है। हेलो जी, वेलकम टू द व्लॉग और वेलकम टू द तारक मेहता व्लॉग, क्योंकि अब यही बच गया हमारे पास कंटेंट, और तो कुछ कंटेंट बचा ही नहीं है ना हमारे पास करने को। बाकी प्रदीप आ चुका, आपने देख लिया होगा व्लॉग में, और सबकी ख्वाहिश ऐसे आ रही है ना भाई, मेरा यो चिकन, मेरी आलू टिक्की बर्गर, और अभी और क्या था, हाँ आप सब्जी भी दो तीन बनी है अलग अलग सबकी। तो मतलब जो सबके अरमान खाने के थोड़े 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 दबे हुए थे ना, अब वो बाहर निकल रहे हैं सबके। वाह क्या कहने, प्रदीप की इम्पोर्टेंस देख रहे हो तुम बहुत ज्यादा, इतनी मेरी नहीं है। अब इतना मत बोलो, प्रदीप भैया ने देख लिया हम लोग चढ़ जाएंगे, हवा खा जाएंगे। बनाए तो कहा पर फिर हवा खा के बनाएगा, थोड़ी सी अकड़ में बनाएगा, बना तो देता है वो, कुछ भी बनवा लो उससे, पर थोड़ी सी हवा खा जाएगा। मैंने क्या कहा था, मेरे को भी आइसक्रीम थोड़ी सी टेस्ट करवा दियो। अभी आपके लिए पूरी रखी है भैया, कितना बड़ा दिल है मेरा। यार पूरी नहीं खा रही ना, बड़ा दिल के साथ साथ थोड़ा सा दिल के थोड़ा सा नीचे कुछ एक ढोल जैसा भी एक टम्मी भी तो है एक बड़ा सा। तो भैया आप खा लो बाकी मैं खा लूंगा ना बचरी। तो वासु को आम इतने पसंद है, मैं क्या करूँ मामे ताई मगा, इसने को एक दो किलो आम दिखा के अपनी गैल ले जाएगा, और यू को हाथ पकड़ के गैल खेल चला जाएगा। गजब बेइज्जती है। तो सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और इसने, तूने आम मंगवाया कहाँ से? मम्मा लाई थी मेरी। तो ये आम ढूंढ के लिए भी है कहीं से, पहले मैंगो आइसक्रीम खा ली, अभी रसोई में जाके कह रहा था रुक जाना भैया एक तो मैंगो आइसक्रीम खिला दो, और कहता एक मेरा वो असली वाला आम भी बाकी है ना। मेरे को जब पता लगा इसने आम मंगवा भी लिया और एक बचा हुआ आखिरी, तो अब वो मैं चट कर जाऊं क्या। मम्मा से और मंगवा रहा हूँ आज एक आधा किलो। हाँ आधा किलो। अब देखना तुम रोज इसके आम खाने देखना रोज, और मतलब इतनी शिद्दत तक खा कर ना कौन आती कि तीनों रस में लत पत हो गए। न्यू आवे आ गए आम वाले दिन वापस। तो देव गया हुआ अपने फ्रेंड के घर होली खेलने। होली होली पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। होली पार्टी, होली पार्टी भाई, ये पार्टी हम जावा हमने को बुलाता है ना यार। तुम्हारे तुम्हारे में से कोई यार होली पार्टी कर रहा हो तो मेरे को बुला लो ना यार, प्लीज मेरे वासु अकेले रह गए, हमको भी बुला लो।
और वो मोटी मम्मा गई इसकी शॉपिंग करने, सिर्फ हम दोनों रह गए। मोटी मम्मा, मोटी मम्मा। अच्छा चल ठीक है मम्मा, मेरी मोटी मामी बस। कमेंट करके बताओ गाइस मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, यस और नो। भाई पिछली बार एक बल्ले ने यस लिख दिया था, उसके साथ क्या काम किया था मैंने। अगर व्लॉग देख रहा है तो प्लीज नो कमेंट कर दो। चलो ठीक है सच बोल जो सच है। मैं जा रहा हूँ वैसे, अभी मैं इस वाले व्लॉग को और पिछले वाले व्लॉग को एडिट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जाना 4 बजे मीटिंग, 3 ऑलरेडी बज चुके हैं। पूरा दिन इससे पहले मैं घर पे था, आलस में भरा हुआ था। सॉरी गाइज मैं बिल्कुल भी अच्छा व्लॉगर नहीं हूँ क्योंकि आज मैंने तैयार होते टाइम ये बताया ही नहीं कि देखो गाइज मैं नहा लिया हूँ, मैंने वाइट कलर की शर्ट पहन लिया है, तो मैं बड़ा बेकार सा व्लॉगर हूँ, है ना। और भाई बात यह है मैं इतना लेट हूँ था, मेरे दुरे फुर्सत ना थी व्लॉग बनाने, मतलब बनाऊँ मैं उस टाइम। मैं जो पाछला व्लॉग जो मैंने एडिट कराया था वो एडिट तो मैंने कर लिया था, मतलब 1 घंटे का जो बीच में टाइम था, खाना वाना खा लिया, तैयार हो लिया, एडिट पर लगा के और फटाफट भाग लिया। और अब शायद वो एडिट पर लगा के नहीं के कहूँ यार, हाँ तो मैं उसको एडिट करके और अपलोड पे लगा के और फिर लिखट गया था मैं। अरे ये मैं अपनी मीटिंग वीटिंग करके आया हूँ बढ़िया। आज मतलब मैं 2 दिन से इतना ज़्यादा डिप्रेस था ना, डिप्रेस्ड कहें या अपसेट सही वर्ड है, क्योंकि कुछ भी सही जा नहीं रहा था आज, टच वुड है। तो आज थोड़ी सी एक मीटिंग अच्छी गई तो थोड़ा सा मूड ठीक हुआ कि चलो यार ज़िंदगी में कुछ अच्छा है। और अभी वापस गाड़ी पार्किंग में लगाई थी तो मेरे को याद आया कि मैं पिछली बार हाँ मतलब जो भी महीने 20 दिन पहले रोहतक गया था तो एक जोड़ी जूते मेरे वहाँ रह गए थे जो मैं उठा के लाया था और ये अब तक गाड़ी के डिग्गी में ही थे। ओके गाइस थम जा व्लॉगिंग करनी यार, तू क्यों भूल रहा है। वैसे एक बात और पूछूं, जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा अपसेट या डीमोटिवेटेड डीमोरलाइज्ड कब होता है बताओ? आपको लग रहा होगा जब होता है जब उसके पास काम ना हो। हाँ चल पड़ी ना, जब नहीं होता, जब होता है जब उसके पास काम हो लेकिन काम निकल ना पाए, उसका मतलब काम हो ना पाए, काम तो है लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा। और मेरा थोड़ा सा ना वही सा फेस चल रहा था तो बड़ा परेशान हुआ कुछ दिन से बहुत ज़्यादा। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे उन्होंने नोटिस भी किया हुआ कि मेरी रील्स बहुत कम आ रही हैं आजकल, उसका यही रीज़न है, जी ना करता। अरे यार वो देव भाई तो अभी तक नहीं आए, मैं हैलोवीन मना दूँ आज ही, वैसे कैमरे पे आ जाएगा पानी ना? कैमरे पे नहीं आएगा ये पता है। तो कपड़ों पे आएगा और कहाँ आएगा? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कैमरे पे। भैया मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। मैं सही में मार देता। भैया ये क्या लगा दिया? सही में गिरा है वासी ऊपर पानी। भैया आप जो कर रहे थे वो सही था क्या? मैं ट्यूब उतार के बंद करके और दरवाजा बंद कर दूंगा। आप जो कर रहे थे वो सही था। और क्या बच्चे क्या को टॉर्चर कर रहे थे भैया। फिर टीवी चला लिया आते ही फिर टीवी। ये क्या किया है भैया? ये सही किया है, पहले आप भी मेरे को बंद कर दीजिए यार लाइट बंद करके यार। और क्या मैं जाता हां तो अब आगे बजा और आगे जा। 1 लाख व्यूज आते हैं उस व्लॉग पे जब तू अंदर हो तो। देव भाई को लेने चले क्या? या पहले नहा लूं। अरे सीट के अंधेरे में ऐसे अंधेरे में रहा यार, तेरे सर के ऊपर लाइट नहीं आनी चाहिए, आप नहीं दिख रहा। हाँ भाई सिमरन क्या कर लिया? शरीर में ना मतलब चैन चून तो कुछ है ही नहीं, वो डर गया था। लेट हो गया वासी। किया क्या भाई तूने? तो रंग रंग तेरे लाख बिना रहे होली के खेल ली। पहले बहुत सारी क्रीम लगा ली थी। मतलब तूने धो लिया? हाँ। चलो बढ़िया। मेरे कपड़े पे रह तू था। और दशयान ने होली के दूसरे कपड़े से एक का ना रहा और इस साइड वाला आयो पर लाल लाल नाले कपड़े बदले से ना ऐसे सब पहुंच रहा। कहां कपड़े बदल रहे हैं? मैं थोड़ी खेली थी होली। मजाक नारी मजाक व्लॉग के लिए कंटेंट ना करते आप घर वाला सोत्री टेंशन ना लिए 1% की भी। अरे मामी लिखा पढ़ी करते हुए
होमवर्क दे रखा हमने सारा, बहुत काम भाई, सारी कंपनी का घर का सारा बोझ मिसेस सीमा के ऊपर है, डायरेक्टर जी के ऊपर। कौन बोल रहा है नहीं दिखती, इन सबको पता कितना काम करते हो, कमेंट पढ़ा करो वीडियो के ऊपर। तुम मामी को ऐसे की बोलते हो रसोई में जाती है तो काम इतना करा है, बताना बहू कितना काम करती है आपका। वो काटा रोक नंदी ने।